तेरे लिए। अगर इस व्लॉग पे आएंगे 10,000 लाइक्स तो मम्मा क्या किया है ऐसा कि आपका फेस ग्लोइंग लग रहा है। हेलो ओएजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल, आई होप यू डूइंग बेमिसाल। आपका मेरे को पता नहीं बट मैं बहुत ही ज्यादा बेमिसाल फील कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह मुक्ति से मुझे सुनने को मिला है ये कि तुम में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, मतलब जो मैं ये वेट लूज कर रहा हूँ वो हल्का हल्का दिखना शुरू हो चुका हुआ है। और ये सुन के मेरा दिल हो चुका है गार्डन गार्डन। और अभी सीन कुछ इस प्रकार है कि मैंने और मुक्ति ने जाना है बनाने शॉर्ट्स रील्स जलील, पर जाने से पहले हम पिएंगे अपना प्रोटीन शेक और खाएंगे अपनी मील जिसमें है आज बनी हुई एग करी साथ में रोटी। और यहाँ पे माता जी गा रही है गाना, एक बार माता जी अपनी मधुर आवाज में सुनाओगे, सुना दो। दिल गार्डन गार्डन हो गया की करिए, मैं मोटे तो पतला हो गया की करिए। अब आपकी बारी है, आपका भी वेट लॉस चैलेंज करवाना है आपने। अगर आपको मम्मा की मधुर आवाज थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो मैंने ना आगे आने वाले व्लॉग्स में भीख मांगनी शुरू कर देनी है लाइक्स के लिए कि आपके पेपरों में नंबर अच्छे आएंगे अगर आप वीडियो को लाइक करोगे। अगर आप अपने मम्मी पापा की उम्र ज्यादा चाहते तो वीडियो को लाइक करो। इस तरीके की चीजें करने लग जाऊंगा अच्छा नहीं लगता यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, रीति रिवाज पहले पूरे कर दिया करो। और अब चलते हैं स्टूडियो, पहले मेरे को फैक्ट्री में थोड़ा सा काम है। फैक्ट्री काम है, 5 मिनट का काम है। ठीक है, कोई बात नहीं। गाइस अभी मैं आई थी फैक्ट्री और आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि मम्मी फैक्ट्री आज पहली बार आए हैं। फर्स्ट टाइम। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? लेकिन जब शुरू करा था से हमने तब तो मैंने सारा वो करा था, संभाला था। लेकिन आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, सारी मशीन में लड़कियाँ देख के खुश हो। A few moments later. ओम धातु की फैक्ट्री से फ्री होके आ चुके हैं हम स्टूडियो और आज का पूरा दिन जो है ना वो होने वाला है जलील डे, क्योंकि अभी शुरुआत करेगी मुक्ति अपने चैनल के लिए जलील बनाने से, फिर उसके बाद टाइम बचा तो फूडी वी के लिए भी जलील बनानी है। और स्टूडियो आते ही पहले मुक्ति लग चुकी है साफ सफाइयों में और अब खाना खाने में लग चुकी है। मैंने साफ सफाई इसलिए की थी कि मैं आराम से बैठ के खा सकूं। तेरे लिए। ओह कितना क्यूट है, मैं तोड़ा क्यों? मैं नहीं तोड़ता, 2-4 दिन में वैसे ही सड़ जाता। हाँ ये मैंने लगाई इसलिए था तुझे मैं दे सकूं, हर बार वो 20-30 रुपए का खरीदना महंगा पड़ रहा था, मैंने 50 का पौधा ही खरीद लिया था। अभी अभी ना जस्ट इंस्टेंटली मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने सोचा आप सबके साथ साझा करूं और मुक्ति तुम्हारे साथ भी मैं साझा करूं। मैं पता क्या सोचूं, बड़े टाइम से हम प्लान कर रहे हैं अपना जो घर है जहाँ पे हमारी सारी फैमिली रहती है उसे रेनोवेट करने का। हम उसकी रेनोवेशन के बारे में और सोच सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और जब उसकी रेनोवेशन स्टार्ट होगी हम सारे यहाँ पे स्टूडियो में शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब पूरी फैमिली। मतलब एक हमारे पास बैकअप है ना। पर वो तो तब है कि अगर पूरी तोड़ के करवा रहे हो। तोड़ के नहीं बट मुझे लगता है जिस हिसाब से रेनोवेशन मैं सोच रहा हूँ उसमें तोड़पन तो होगी। वो देखते हैं कि किस तरीके से हमने काम करवाना है, कि अगर बीच में रह के किया जा सकता है तो भी ठीक है, अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो फिर यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं घर वालों के साथ तो हमारा स्टूडियो भी बेटर हो जाएगा और वापस फिर घर चल जाएंगे जहाँ रेनोवेशन वगैरह हो जाएगी और वो तो बेटर है ही है। और यहाँ पे मेकअप करते करते कर दिया मुक्ति ने बहुत ही भारी नुकसान। सस्ती क्वालिटी वाली लिपस्टिक क्यों लेते हो? अब पता नहीं है सस्ती कौन सी, रेडी मार्केट से लेनी थी ना, 50 रुपए की दो। ओ वाह ये बड़ी अच्छी लिपस्टिक थी तेरी, है ठीक भी होगी कि पूरी निकली। हाँ अगर इन बिटवीन टूट जाती फिर तो यार तुम्हारी चीजें होती बहुत डेलिकेट है वैसे, होती तो है। तो मुक्ति का मेकअप शेकअप हो गया डन, जलीले बनानी कर दी है उसने शुरू। सो इन द मीन टाइम अभी मैं सोच रहा हूँ कि नर्सरी जाऊं और एक और गुलाब का पौधा जो है वो ले आऊं। इस बारी मैं सोच रहा हूँ व्हाइट से कलर का गुलाब लेके आऊं और आज माली ने भी आना है तो परफेक्ट टाइम है जाने के लिए। देखो हर बारी जब भी मैं नर्सरी आता हूँ ना मैं सोच कहता हूँ कि सिर्फ एक चीज लूंगा, पर चीजें थोड़ी सी ज्यादा ले हो जाती है। और अभी हम लेने आए थे गुलाब और गुलाब जो है भैया के काफी बिक चुके हुए, रंग पता ही नहीं लग रहा कौन सा है। भैया थोड़ा करो यार रिसर्च करो, थोड़ी पीला रंग ढूंढो। बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद हमने ढूंढ निकाले येलो कलर का और व्हाइट कलर का, आपको दिखाता हूँ पता कैसे लगा। ये छोटा सा इसमें बड निकला हुआ है जिसमें येलो कलर दिख रहा है और इसका तो बड उससे भी छोटा है, कहाँ गया इसमें तो ऐसा लगा माइक्रोस्कोप से रिसर्च करी है हमने। डन विद द शॉपिंग हमारा हो गया हुआ है और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी रिसेंटली ना मैंने पौधों में एक स्पेशल खाद डाली थी और उससे सच में पौधों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। वो स्पेशली फूलों के लिए आती है, आपको दिखाता हूँ। जो ये वाली खाद है ना बहुत अच्छी है,
सच्ची में रोजेस के लिए तो बेस्ट है। मेरे को ना कोई आइडिया नहीं है कि आप में से कितने लोगों को गार्डनिंग का शौक है, तो एक बार आप कमेंट करके बता सकते हो। और मुक्ति डन विद द वीडियो? यस आई एम डन विद द वीडियो। अब क्या करना है? ओए एसी ऑन किया तूने आज? गर्मी लग रही है। क्या बात है यार, एक्चुअली वीडियो बना रही थी ना तो फैन में आवाज आनी थी, मैंने एसी ऑन कर लिया। चल अच्छा लगा तूने एसी ऑन किया, नहीं तो तेरे को ठंडी लग रही है। खुश हो रहे हो? कितने खुश हो रहे हो? मुक्ति ना उन लोगों में से है जिनको ठंड जो है ना बहुत ज्यादा लगती है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, आप ओएमजी फैमिली हो, आपको हर चीज पता होती है। एंड अगर आज इसने एसी ऑन कर दिया हुआ ना, मजा ही आ गया। मतलब आज घर पे भी एसी ऑन कर सकते हैं हम। इतनी फ्रीडम नहीं मिली है, मतलब जल्दी हो जाएगा। थोड़ी मुक्ति जो है ना मेरे साथ रह के मेरे जैसी हो रही है। और जी अपने माली भैया भी बहुत दिनों बाद आ चुके हुए हैं दर्शन देने के लिए। थैंक यू भैया। अच्छा एक गुलाब हमने यहाँ लगाना है, ठीक है जी। एक गुलाब हमने यहाँ लगाना है, ठीक है। वो मैं लेके आऊँ दो। A few moments later. So finally videos हमारी हो चुकी है खत्म और अब बारी आ चुकी है घर जाने की। ओंकार एक रिक्वेस्ट है, एक बार जाते जाते ना कोकोनट वाटर पी। एक काम कर, गाड़ी तू ही चला, रास्ते पे जा रोकना वो रोक लियो, मेरे पे भरोसेदार है। नॉट अ बैड आइडिया। भैया दो नारियल। आज बहुत ही ज्यादा दिनों के बाद नारियल पिया और मजा आ गया। तेरे वाला कैसा है? मैंने बहुत दिनों के बाद नहीं पिया। क्यों? मैंने तो बहुत दिनों बाद, तू मेरे पीछे पीछे। मैंने नहीं पिया था वो। मैंने तो पिया है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से ना मेरी बहुत ज्यादा चीजें मिस हो जाती है। अभी ना जस्ट मैंने मुक्ति को घर ड्रॉप किया है और आज ना मैं वैसी रील्स वगैरह देख रहा था और मेरे सामने ना बहुत ही ज्यादा क्यूट सी फिश वाली रील आई और मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि घर पे सरप्राइज दिया जाए। एक छोटा सा फिश पॉट दो गोल्ड फिशेस के साथ लेके चलते हैं। इसके लिए मैं पापा को अभी जो है पिक करने आया हूँ। पापा एक्चुअली सैर कर रहे थे एंड देखते हैं पापा का क्या ख्याल है कि लेके जानी चाहिए मच्छी या नहीं। कहीं पापा ये ना बोल दे कि मच्छी वैसे दुकान से ले जाते हैं, पका के खा लेंगे। मैंने आपकी सैर खराब कर दी है? नहीं अभी सैर ही करने जा रहे हैं ना। नहीं सैर करने नहीं जा रहे हाँ। मैं सोच रहा हूँ मच्छी लेने चले। मैंने सोचा सैर करने जा रहे हैं। मच्छी ले आए? चलो। कौन सी मच्छी? पता मैं पता क्या सोच रहा हूँ, एक छोटा फिश पॉट ले ले। फिश पॉट? हाँ वो मच्छी, दूसरी मच्छी वो बेटे मर जाती है। एक छोटा सा पॉट लेके वैसे मन कर रहा है। कहाँ से मिलेगा? देखते हैं जहाँ से हम पहले लेते थे। एक्चुअली हमने ना बहुत पहले घर पे एक्वेरियम रखा होता है जिसमें बहुत ज्यादा मछलियाँ थी और उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है और दुख बहुत ज्यादा लगता है जब कोई मच्छी मरती है। तो पापा की कंसर्न ये है कि केयर बहुत ज्यादा होती है, पर मेरा मन है कि छोटा सा पॉट है जिसमें सिर्फ दो ही मछलियाँ हो। अभी चलते हैं मच्छी वाली दुकान पे, वहाँ पे जाके डिसाइड करते हैं और जो बेचने वाले भैया होंगे उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे कि मेंटेनेंस कितनी है इसकी। देखो आया तो था मैं बाउल लेने जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर जो चीज हमने ली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा एक्वेरियम ले लिया हुआ है, फिल्टर फुल्टर लाइट लुइट सब कुछ इसके अंदर लगी हुई है और ये मछलियाँ होने वाली है अब हमारे घर की मेंबर। दो मछलियाँ और इसमें डलवा रहे हैं जो कि वहाँ से निकलेंगी चमकती हुई। घर पे ना सबको मिलने वाला है सरप्राइज क्योंकि मच्छी की तो कोई बात थी ही नहीं, एकदम से मेरे मन में आया। यहाँ पे एक्वेरियम जो हमने ले लिया हुआ है। पापा आपको अच्छी लगी मछलियाँ? ठीक है, शौक तेरा है थोड़े दिन का। थोड़े दिन का क्या, इतनी प्यारी लग रही है, अंदर देखो कलर कितना चमक रहा है। अभी ना मैंने पापा को बोला बाहर वेट करने के लिए, मुक्ति और मम्मा को बाहर भेजता हूँ और रिएक्शन देखते हैं उसका क्या आता है। क्या बात है, शार्क टैंक देखा जा रहा है। मम्मा क्या? मम्मा इधर आना, पापा ने देखो क्या किया इधर। और यहाँ पे डैडी जो है तुक्के मार रहे हैं, कोई सरप्राइज है, सरप्राइज है। पापा की हरकतें दिखानी है। हाँ इधर, इससे क्या हो गया? दिखाता हूँ तुझे, आ तो सही। मम्मा को लेके आ, मम्मा मम्मा के साथ आ। मेरे को देश ने क्या कर दिया है? देखियो क्या हुआ। असली है, ये तो पापा ओंकार ने सरप्राइज दे दिया हुआ है। बहुत ही क्यूट है, छोटी छोटी सी। अभी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, ये वाली अच्छा। जो चमकती हैं, जो पिंक अच्छा, और नीली है। अच्छा फ्लोरोसेंट है। तो ये हो चुकी है लाइट ऑन। पूरा शाइन मोबाइल देखने ऐसा लग रहा है नकली है, इतनी कलरफुल है, आर्टिफिशियली लग रही है। अच्छा चेंज हो जाती है, मम्मा टर्टल बैन है, टर्टल नहीं रख सकते। घर पे सबको ही सरप्राइज जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। तो मैं सोच रहा हूँ जो हमारा पुराना एक्वेरियम है ना उसको रिस्टोर किया जाए। आपको दिखाता हूँ एक बार एक्वेरियम। तो ये हुआ करता था हमारा एक्वेरियम, 10 साल से इसे यूज नहीं किया है पर पड़ा हुआ है। आज ना इस व्लॉग में एक गेम खेलते हैं लाइक टारगेट वाली। अगर इस व्लॉग पे आएंगे 10,000 लाइक्स तो इस एक्वेरियम को मैं करूंगा रिस्टोर
और बहुत ही सुंदर बनाऊंगा और बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियां लेके आएंगे इसके लिए। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, बाकी एक बारी कमेंट करके बताना आपको एक्वेरियम कैसा लगा और वो फ्लोरोसेंट सी शाइनी वाली मछलियां कैसी लगी। और यहाँ पे ये नवाब जो है ना कोशिश कर रहा है मछलियों को खाने की। ओए नहीं खाना नहीं है, खाना नहीं है, तेरे को अलग से खाना देंगे, तेरी दोस्त है वो, ठीक है, फैमिली मेंबर है। एक बारी और आप देख लो इन मछलियों को, इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना, इनको देख के ना दिल जो है वो खुश हो ही जा रहा है। आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना। नवाब भी मेरे साथ लगा हुआ है यहाँ में मछलियों को देख रहे, पर इसकी नीयत जो है ना वो खराब लग रही है मेरे को, गंदी नीयत से देखते हैं मछलियों को। और गाइस आज के दिन मैंने जिम से लिया है रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है, बट अपने स्टेप्स जो है वो मैं करूंगा पूरे, वो भी निकल चुका हूँ सैर के लिए। A few moments later, अपने 10,000 स्टेप्स का टारगेट हो गया पूरा। अब हम देखेंगे यहाँ पे IPL। और अभी ना मुक्ति मम्मा को कह रही है आप में ना कुछ अलग अलग सा लग रहा है, फेस बड़ा ग्लोइंग सा लग रहा है, मतलब जवान लग रहे हो। नहीं सच्ची मैं तुझे पे क्यों बड़ा ग्लोइंग सा लग रहा है? तो मम्मा क्या किया ऐसा कि आपका फेस ग्लोइंग लग रहा है? स्पार्क काले की आपकी सुंदरता का राज काले काले बाल। वैसे देखा जाए ना असली हेयर कलर का फर्क जो है वो एक इंसान में ही पड़ सकता है, वो है हमारे पिताजी। आज तक जिंदगी में कभी हेयर कलर नहीं यूज किया, मतलब ये 30-35 की उम्र में ही बूढ़े हो गए थे, है ना? 40 में ये 80 के दिखने शुरू हो गए थे। कई बारी लोग ना इतना ज्यादा डाउट करते हैं डैडी को, मतलब दादाजी को, और पापा को भाई समझते हैं दोनों को, क्योंकि चिट्टी चिट्टी दाढ़ी है ना मामा, ऐसा होता है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। उनका ये होता है कि एज तो लुक से होती है ना। हाँ। मैं जैसे लंगड़ा लंगड़ा के चलती हूँ, या मेरा भी अब थायराइड की वजह से जो भी मोटापा है सब कुछ है, तो मुझे भी कोई कितनी भी उम्र का कह दे, ये तो अब लुक पे होता है कि आप कैसे दिख। अपने पति की साइड लेना कोई इनसे सीखे, सच्ची में मुझे लगा कुछ बोलेगी ये तो पति की साइड ही लेने लग गए। सीखो पति की साइड लेनी सीखो, ऐसे लोगों को मजा कैसे आएगा। कमरे में जा चुके हैं, बारी आ चुकी है सोने की, अब हम आपको मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, चबा खैर, बाय गाइस, गुड नाइट।